हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी में रैबिट की जो ब्रीड है, ये आप हम ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाते हैं आप सभी को। तो ब्रीडिंग प्रोसेस इस समय कैसी चल रही है, तो ये देख सकते हैं रैबिट के छोटे छोटे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे एक में है, 1 2 3 4 5 6 बच्चे इसमें है। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 बच्चे, ये डबल कोट वाले बच्चे हैं, यहाँ नीचे वाले डबल कोट के बच्चे हैं और इसी फीमेल के बच्चे हैं। ये वो फीमेल वहाँ पर बैठी हुई है, डबल कोट की फीमेल है और डबल कोट का भी मेल भी है, यहाँ पर डबल कोट का मेल है, ये देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो साफ़ सफाई का सिलसिला जारी है और ये वाला दूसरे वाला पार्ट में से जब मैं बच्चे निकालूंगा तो दिखाऊंगा आप सभी को, तो वीडियो से बने रहें। तो दोस्तों, दूसरे वाले पार्ट में देख सकते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस जो है, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे इसमें और इसमें 4 बच्चे इसमें हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे जो आज पार्ट है इसमें से मैं सारे बच्चे बाहर निकालूंगा क्योंकि अंदर साफ़ सफाई कर रहा हूं, और सारे के सारे बच्चे एक साथ मैं दिखा दूंगा ताकि आप ये ना समझे कि एक ही बच्चे बार बार दिखाता है ये। तो ये देख सकते हैं, ये इसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट है इसमें सारे बच्चे हैं, एक ही में मैं कर दिया हूँ। और इसमें देख सकते हैं ये दूसरे नंबर वाले का है। ऐसे मैं सारे के सारे जो पार्ट है इसके जो ब्रीडिंग प्रोसेस है रैबिट्स के, ये एक जगह कर आप सभी को दिखा दूंगा ताकि ये आप ना कह सकें कि रैबिट के जो बच्चे हैं सारे एक ही घुमा कर एक ही दिखा रहा है। तो दोस्तों, तीसरे वाले पार्ट की तीसरा वाला ये वहाँ पर देख सकते हैं, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा। तीसरे वाले का जो ब्रीडिंग प्रोसेस है ये मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। इसमें देख सकते हैं इसमें 4 बच्चे हैं और इसमें 2 फीमेल ने बच्चे दे दिया, 4 4 8 3 11 11 बच्चे इसमें हैं। और इसमें भी देख सकते हैं बच्चे हैं, 3 3 6 3 9 10 10 बच्चे इसके नीचे दबा हुआ है बच्चा, 3 3 9 ही बच्चे हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी ब्रीड है। तो दोस्तों, वीडियो से बने रहे, मैं 6 पार्ट का एक साथ जब कर लूँगा तो एक साथ जब ब्रीड कर लूँगा तो 6 पार्ट की एक साथ करके आखिरी में दिखाऊँगा। तो दोस्तों, चौथा वाला जो पार्ट है ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 ये चौथा वाला पार्ट देख सकते हैं। इसी में बच्चे जो सारे बच्चे मरे थे, इसी के अंदर बच्चे मरे थे और करीब करीब 15-16 बच्चे मर गए थे और इसमें अभी 4 बच्चे बचे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। चारों का कलर एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं कलर, और 2 ब्लैक कलर वाला है और 2 ये कलर के हैं। तो इसमें तो ब्रीड बहुत अच्छी आई थी लेकिन बच्चे अब 15-16 बच्चे के करीब मर गए तो बात ही ख़त्म हो गई। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं घास भी लेकर आ चुका हूँ। ये आप लोग सोच रहे हैं मैं घास लिए किस लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा घास है, ये दुबे वाली घास है ये। तो अब चलते हैं, हम एक तरफ से सबकी ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाते हैं, 6 पार्ट का जो ब्रीडिंग प्रोसेस है ये दिखाएंगे आप सभी को एक साथ। और ये घास मैं लेकर आया हूँ, ये जब बॉक्सेज मैंने खाली कर दिए थे, यहाँ पर जो बॉक्सेज देख सकते हैं जिसमें ब्रीड थी, ये बॉक्सेज मैंने खाली कर दिए थे। तो खाली करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ रखने के लिए चाहिए, ये घास मैं लेकर आया हूँ। और इसमें रखने के बाद जो ये खरगोश के बच्चे पेशाब वगैरह करेंगे ये नीचे चला जाएगा और जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम रहेगा। और इसी घास को मैं ले आकर उसी बॉक्स में डालूँगा। और सबसे चलते हैं, अब ब्रीड को दिखाते हैं आप सभी को। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारे वारे बच्चे रेडी हो चुके हैं इसके अंदर रखने के लिए।
तो ये बच्चे हम काउंट कर लेते हैं, कितने काउंट है बच्चे, बच्चों की गिनती मार लेते हैं कितने होते हैं बच्चे। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चे इसमें हो गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17 बच्चे हो गए, पहले वाले पार्ट में 17 बच्चे हो गए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29 बच्चे हो गए। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54, 55, 56 ये देखते जाए सारे सारे बच्चे रखे हुए हैं, जिसके जिसके बच्चे हुए हैं, जिस पार्ट के बच्चे हैं उसके सामने रखे हुए हैं। 56 बच्चे हुए यहाँ पर, 57, 58, 59, 60, 61 और यहाँ पर भी बच्चे देख सकते हैं, बच्चे अभी अभी निकले हुए हैं। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 बच्चे हो गए दोस्तों। और इसमें भी बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पर भी बच्चा ही निकला हुआ है और वहाँ पर भी बच्चे निकले हुए हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं। तो कुल जो बच्चे हैं ये 72 बच्चे हैं, और बच्चे जो अभी बाहर निकले हुए हैं ये मैं छोड़ दिया और इसकी गिनती नहीं किया हूँ। और ये देख सकते हैं जिसके जिसके बच्चे हैं, जिस पार्ट के बच्चे हैं उसके सामने रखे हुए हैं। और अभी मैं इस घास को डाल कर, इसमें घास डाल कर जिसके जिसके बच्चे हैं उसमें दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंदर घास डली हुई है और बच्चे भी अंदर पड़े हुए हैं, और इसके अंदर भी बच्चे देख सकते हैं, इसके अंदर कितने मौज से सो रहे हैं ये बच्चे, और उसके अंदर भी बच्चे हैं। इसी तरह से सारे जो बॉक्सेस जहाँ पर सेट थे यहाँ पर सेट था, यहीं पर सेट कर और इसी बॉक्स के अंदर घास डालकर और बच्चों को इसी के अंदर डाल दिया गया है, ताकि जो फीमेल रहे वो डिस्टर्ब ना हो और इसी के फीमेल यहीं पर जाकर बच्चे को दूध पिलाए। तो दोस्तों इसी तरह से सारे जो बॉक्सेज हैं इन्हीं में सेट कर दिया गया है बॉक्सेज में। तो सारे 6 पार्ट में जो बच्चे मैंने बाहर निकाले हुए थे उसको मैंने अंदर कर कर सारे को सारे सेट कर कर छोड़ दिया उसी तरह से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।